चल जाएगा इश्क का जादू, हो जाएगा दिल ये बेकाबू, सोच में गुम है भैया बाबू, देखो भैया कौन बनेगी। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, जिंदगी के खेल में मोहब्बतों की रेल में सब मुसाफिर चल पड़े हैं, किस नगर किसको पाना किसको खोना, छोड़ो ये सब रोना धोना, देखो भैया कौन बनेगी। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। कुछ और दिखाएं, ए कलर, ए चंगा कलर है। कोई और ब्राइट कलर में भरा हुआ। किस चाहिल को भेज दिया मेरे साथ शॉपिंग करने? इतनी देर हो गई है, तुम्हें अभी तक एक ड्रेस समझ नहीं आ रहा है? पहली बार मॉल आई हो या फिर पहली बार इतने अच्छे ड्रेसेस देखकर पागल हो गई है? नहीं जी, वो शादी तो जिंदगी में एक बार ही हुई है, तो मैंने तो जोड़ा ही नहीं पसंद आ रहा। तुसी पसंद कर लो, तुसी जो भी पसंद करोगे ना, मैं हंसी खुशी पहन लूंगी अल्लाह की कसम। बस करो यार, जस्ट स्टॉप इट, बंद करो अपना ये ड्रामा, अपनी नौटंकी बंद करो। अब कुछ लेना है तो लो, वरना अपने घर का रास्ता नापो। नहीं जी, मैंने कुछ नहीं लिया। नहीं लेना तो फाड़ में जाओ। जाने तो जाओ। क्यों मुसीबत? सॉरी। बंद करो अपना ये ड्रामा, दो घंटे हो गए, एक ड्रेस समझ नहीं आ रहा तुम्हें? आंसू पूछो अपने। जज ने पता नहीं कहां फंसा दिया मुझे, किन गवारों में फंस गया मैं। चलो चलो इधर से। अच्छा ये बताएं कि कौन से ब्रांड से जोड़ा पहनना पसंद करेंगे आप? मैंने तो कभी ब्रांड्स पहने ही नहीं। अरे फिर भी कुछ तो बताएं। आप ही बता दें। मैंने सुना है कि शीबा जी के डिजाइन्स बहुत अच्छे होते हैं। सुना तो मैंने भी है। तो फिर चले चले वहाँ पे। प्लीज अंजली वालड़िए, अंजली वालड़िए, मैं ते कर बटिया प्यार ऐ गल भुली ना, के अंजली वालड़िए, अंजली वालड़िए। ओहो की गल है, पुत्र बड़ी खुश है। तेरे लिए खुश हूँ बा। एडवांस मिल गया? नहीं लेकिन मिल जाएगा। ओ कैसे? लड़का देखकर आ रही हूँ। अब्बा लड़का माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा है, अब तो हाँ हो ही जाएंगे। अच्छा तो फिर ठीक है, तू ऐसा कर पुत्र, कोई खाना शाना ही लिया। अब्बा खाना पहले मेहमानों को तो खा लेने दे।
खाने की खुशबू सूंघ के पेट दे विच हलचल मच गई है। कोई थोड़ा जा खाना ही लिया, नाल मिठा भी ले आई। अब्बा तू यहीं बैठ, मैं ना कोई मौका देख के तेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ, ठीक है? ओ गाल सुन पुत्र, भूल ना जाई, छेती आई। ओहो अब्बा, लेकर आती हूँ। ओ अंजली वालड़िए के गल भुली ना, मैं ते कर बठिया प्यार। ओ अंजली वालड़िए के गल भुली ना, ओ अंजली वालड़िए। हाल में जाओ। खुशबू क्या हुआ बेटा? क्या हुआ है? कुछ नहीं बाबू, वो हाथ में कुछ चला गया था। कहर चले? Come on बेटा, please tell me। और असर कहाँ है? आप एक काम करें, खुशबू को फूड कोर्ट लेके चले, मैं असर को देख के आता हूँ। प्लीज। बंटी तुमसे कहा था ना फूड कोर्ट के बाहर मत जाना, अगर खो जाते फिर? लो जी, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो खो जाता। यहाँ कर क्या रहा है तुम? मैं तो आप लोग को ही ढूंढ रहा था। मेरे ख्याल से बंटी ने अभी तक खाना नहीं खाया। नहीं नहीं, मैंने पिज्जा खा लिया। अच्छा, चलो फिर हम भी खा लेते हैं। हाँ प्लीज। नहीं नहीं, हम घर चलते हैं। मेरे ख्याल से हम पहले खा लेते हैं, उसके बाद घर भी चले जाएंगे। मुझे बहुत जरूरी काम है, हम लोग अभी घर चल लेते हैं। पप्पो, शादी का जोड़ा नहीं पसंद आ रहा था तो मैं क्या, शादी एक बारी होती है, मैनू तो जोड़ा ही नहीं समझ आ रहा। फिर मैं क्या, तुहानू जी पसंद, तुहानू जो पसंद है तुसी मैनू दे ला दो, मैनू मैनू इतनी दूर से डांटा। ओह माय गॉड, हद हो गई हद। असफर कहाँ है? पता नहीं कहाँ चला गया, मैं हर जगह देख के आया हूँ, फोन भी बंद आ रहा है। लोग देख रहे हैं यहाँ से। तू तो अलीजे के साथ गया था, तो खुशबू कहाँ से आ गई वीडियो में? और कमाल अंकल नहीं थे क्या वहाँ पे? वो लोग तो फूड कोर्ट में आके खाना खा रहे थे। क्या उनकी भी वीडियो है, दिखाऊं? नहीं नहीं, रहने दे। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। ये रहा मंडी। बंटी तुमसे कहा था ना फूड कोर्ट के बाहर मत जाना, अगर खो जाते फिर? लो जी, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो खो जाता। यहाँ कर क्या रहा है तुम? मैं तो आप लोग को ही ढूंढ रहा था। मेरे ख्याल से बंटी ने अभी तक खाना नहीं खाया। नहीं नहीं, मैंने पिज्जा खा लिया। अच्छा, चलो फिर हम भी खा लेते हैं। हाँ प्लीज। नहीं नहीं, हम घर चलते हैं। मेरे ख्याल से हम पहले खा लेते हैं, उसके बाद घर भी चले जाएंगे। मुझे बहुत जरूरी काम है, हम लोग अभी घर चल लेते हैं। क्या जरूरी काम है? पहले कुछ खा ले, उसके बाद घर भी चले जाएंगे यार। मैंने कहा ना मुझे घर जाना है। ओहो, रिलैक्स रिलैक्स, टेक इट इजी, घर चलते हैं। सही तो कह रहा है ये। अच्छा सुनो, टेक अवे करा लेते हैं। हाँ आ जाओ। खुशबू बेटा बताओ ना, हुआ क्या है? शादी का जोड़ा नहीं पसंद आ रहा था तो मैं क्या, शादी एक बारी होती है, मैनू तो जोड़ा ही नहीं समझ आ रहा। फिर मैं क्या, तुहानू जी पसंद, तुहानू जो पसंद है तुसी मैनू दे ला दो, मैनू मैनू इतनी दूर से डांटा।
Oh my God. हद हो गई हद. असफर कहाँ है? पता नहीं कहाँ चला गया. मैं हर जगह देख के आया हूँ. फोन भी बंद आ रहा है. देखा, नाराज होके चला गया वो. मगर हसीना जी, ये रो क्यों रही है? हुआ क्या है? कुछ नहीं, वो इसको सूट पसंद नहीं आ रहा था तो थोड़ा सा डांट दिया उसने. थोड़ा सा नहीं डांटा, बहुत जोर से, बहुत ऊंचा डांटा था. बेटा तुम फिक्र मत करो, आने दो उसे, मैं उसके ऐसे कान खींचूंगा कि उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी. नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है. जरूर इसकी भी कोई शरारत हुई. अल्लाह की कसम पप्पू, मैं कुछ नहीं किया. मैं तो बस क्या, शादी एक बार ही होती है, बार बार थोड़ी ना होती है. फिर भी तुसी जो जोड़ा पसंद करोगे मैं हंसी खुशी पहन लूंगी. सबके सामने इतना ऊंचा ऊंचा तोड़ तोड़ से डांटा, सब सुन रहे थे. बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं उसको तुम्हारे सामने डांटूंगा. तुम एक काम करो बेटा, अभी तुम कुछ खा लो, इसके बाद फिर हम शॉपिंग करते हैं. नहीं अंकल जी, मैंने भूख नहीं है. अरे बात बेटा, अंकल तुम्हारे बड़े हैं, मना नहीं करते. अच्छा तो अंकल जी, तुसी फिर एक काम करो, एक बड़ा वाला बर्गर फाड़ लो, नील कर लेना, लार्ज फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक भी साथ में, और वो जो मुर्गी वाली बकेट, क्या कहते हैं, बाल्टी. अरे फैमिली डील. हाँ अंकल, वो भी फाड़ लेना, बहुत दिन हो गए खाए हुए, है ना. एक सेकंड. आइसक्रीम भी अंकल जी. आइसक्रीम ला ले, आइसक्रीम भी ले लेना. वो तो स्ट्रॉबेरी पसंद है ना, मैंने चॉकलेट कर दो. मेरी कॉल आ रही है, प्लीज एक्सक्यूज मी. हाँ बोलो. इतना ऑर्डर सुन के ना सुन के नहीं. अच्छा बात तो सुन, कुछ भी घर जाके ना ये सब कुछ बताना नहीं, ऐसा ना बात का बतंगा बन जाए. और बेटा असफर के मुतालिक कोई पूछे ना तो कह देना वो शॉपिंग करा के किसी ज़रूरी काम से चला गया था. ठीक है पप्पू, नहीं कहूँगी. तुसी मैंने शॉपिंग कराओ तुम्हें, अंकल कराएंगे ना तुम. हाँ बेटा, ये सब मैंने ऑर्डर कर दिया है, अभी आ रहा है. ओके, और कुछ चाहिए? नहीं नहीं अंकल जी, आप भी चख चुक लेना थोड़ा बहुत. हाँ बेटा, थैंक यू. ठीक है सीमा जी, आप तो खुश है ना. बाबर भाई, उठिएगा बाबर भाई. जो मुझे आपको एक वीडियो दिखानी है. देख यार, मैं अभी ना इस वक्त कोई मसालेदार न्यूज़ सुनने के मूड में नहीं हूँ, और ना ही मेरे पास इतने फजूल पैसे हैं कि मैं तेरी कोई वीडियो परचेज करूँ. बाबर भाई, ये फॉर सेल की वीडियो नहीं है. अच्छा दिखा फिर, क्या है? खुशबू कहाँ से आ गई वीडियो में? तू और कमाल अंकल नहीं थे क्या वहाँ पे? वो लोग तो फूड कोर्ट में आके खाना खा रहे थे. क्या उनकी भी वीडियो है? दिखाऊं? नहीं नहीं रहने दे. पर भाई बहुत गंदे हैं बाबर भाई. जवाब में तुम्हारा प्यारा जोड़ा, कलर भी बहुत प्यारा है. कितने का है? पूरे 2.5 लाख का. 2.5 लाख रुपए का एक सूट? हाँ, दुल्हनों के सूट तो 6-6, 7-7 लाख रुपए के आते हैं. मेरा तो सिर्फ 2.5 लाख रुपए का आया है. हाँ लेकिन चाची तो सबा भाभी का सूट 35,000 का नहीं लाई थी? लेकिन वो तो मंगनी का था ना, कि शादी का है. तो मतलब उनका सूट वापस आएगा? हाँ बाबा लेकर आएगा, जैसे सब लेकर आता है. असफर का? अब उसे कुछ जरूरी काम था तो वो खुशबू को शॉपिंग करा के चला गया वापस. शॉपिंग करवा के वापस चला गया या फिर?
आधे रास्ते में अकेला छोड़ के भाग गया। कैसी बातें कर रहे हो बाबर? कुछ बातें मखसूस लहजों में की जाए तो ठीक लगती है। बंटी तुम अंदर जाओ। जी फूफो। बंटी। जी बाबर भाई। अंकल को उनके बैग्स वापस करो। अंकल आप एक बात साफ साफ कह दीजिएगा उस पर से कि इस घर की लड़कियां कोई भेड़ बकरियां नहीं है जो ऐरा गहरा आके कुछ भी कह के चले जाएगा। ये तो उसकी किस्मत अच्छी है कि वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, ना बहुत बुरा होता उसके साथ। मर्द भी कितनी किस्म के होंगे, कुछ अस्तर वर्गे जो औरत नू जुत्ती की नोक पे रख दें, ते कुछ बाबर वर्गे जो औरत नू मान देते हैं। काश मेरा विवाह भी बाबर जैसे बंदे के साथ होता तो किड़ा चंगा होता। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। भाई सूट है कहाँ, इतनी सारी चीजों की बात कर रही है, चीजें तो दिखाएं। चीजें ना अंदर रखी हुई है और जो सूट है ना वो टेलर को फिटिंग के लिए दिया है। मैं तुम्हें पिक्चर दिखाती हूँ। हाँ पिक्चर दिखाएं। बहुत प्यारा है ये देखो, इतना प्यारा जोड़ा, कलर भी बहुत प्यारा है। कितने का है? पूरे 2.5 लाख का। 2.5 लाख रुपए का एक सूट? हाँ दुल्हनों के सूट तो 6-7 लाख रुपए के आते हैं, मेरा तो सिर्फ 2.5 लाख रुपए का आया है। हाँ लेकिन चाची तो सबा भाभी का सूट 35,000 का नहीं लाई थी? लेकिन वो तो मंगनी का था ना, कि शादी का है। तो मतलब उनका सूट वापस आएगा? हाँ बाबर लेकर आएगा जैसे सब लेकर आता है। मैं तुम्हें ज्वेलरी दिखाती हूँ। अल्लाह लीजे बाजी, लगता है आपने दानिश भाई की सारी जमा पूंजी आज ही लगवा दी। अगली बार से ना तौबा कर ली होगी उन्होंने, ऐसे ज्वेलरी अच्छी है। वो तो बेचारा कह रहा था कि जो भी लेना हो ले लो, मैं नहीं मना करती। वैसे आपकी तो शॉपिंग हो गई है जबरदस्त, अब देखते हैं खुशबू बाजी क्या कर कर आती हैं। फिक्र मत करो, शॉपिंग के मामले में वो माँ है हमारी, माँ कुछ अच्छा ही लेकर आएगी और बहुत सारा मेकअप भी। मेकअप तो उसकी जान है। वैसे बात बात हुई तुम्हारी, कब आ रही है? पप्पू साथ गई है उनके और अम्मी ने कहा है मुझे कॉल करके तंग मत करना। पप्पू साथ चली गई? जाहिर है अकेले थोड़ी जाने देना था, वो तो पता है हर 2 मिनट बाद तो कोई शोशा छोड़ देती है, पता तो है आपको। इसका मतलब प्राइवेसी का कोई चांस ही नहीं रहा। 4 दिन में शादी है फिर प्राइवेसी ही प्राइवेसी। निकाह है, रुख्सत ही नहीं है। प्राइवेसी का सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा ना? हाँ ये तो है। और सुनो एनी, तुम शबनम से बोलो ना मुझे कब चाय बना कर पिला दे। हाँ हाँ मैडम शॉपिंग करके जो थक गई होंगी, बोल देती हूँ। थैंक यू। सूरज जोड़ा है। कॉल भी दे दरवाजा, इतना टाइम एले फड़। असफर कहाँ? अब उसे कुछ जरूरी काम था तो वो खुशबू को शॉपिंग करा के चला गया वापस। शॉपिंग करवा के वापस चला गया या फिर आधे रास्ते में अकेला छोड़ के भाग गया? कैसी बातें कर रहे हो बाबर? कुछ बातें मखसूस लहजों में की जाए तो ठीक लगती। बंटी तुम अंदर जाओ। जी फूफो। बंटी। जी बाबर भाई। अंकल को उनके बैग्स वापस करो। तुम्हें क्या हो गया बाबर? अब बाबर बेटा हम अंदर जाके बात कर सकते हैं? सर आप मेरे बॉस होने की हैसियत से तो अंदर आ सकते हैं लेकिन किसी और रिश्ते से नहीं। कैसी बातें कर रहे हो बाबर? खुशबू तुमने फोन करके इसे कुछ कहा है? नहीं पप्पो मेरे मोबाइल में तो बैलेंस ही नहीं है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है खुशबू, तुम अपने घर में
अब ये देखें। पता नहीं कहाँ फंसा दिया मुझे, इन गवारों में फंस गया। आंसू पूछो अपने, बंद करो ये ड्रामा। दो घंटे हो गए, एक जोड़ा समझ नहीं आ रहा तुम्हें। पता नहीं डैड ने भी मुझे कहाँ फंसा दिया। लोग देख रहे हैं, आंसू पूछो अपने, चलो इधर से। और बेटा कोई गलतफहमी हो गई है। अंकल आप एक बात साफ साफ कह दीजिएगा उसको, कि इस घर की लड़कियां कोई भेड़ बकरियां नहीं है जो ऐरा गहरा आके कुछ भी कह के चले जाएगा। ये तो उसकी किस्मत अच्छी है कि वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, ना बहुत बुरा होता उसके साथ। खैर ये रिश्ता नहीं हो सकता। बाबर मेरे ख्याल से मुझे चले जाना चाहिए। आप एक बात साफ साफ कह दीजिएगा उसपे से, कि इस घर की लड़कियां कोई भेड़ बकरियां नहीं है जो ऐरा गहरा आके कुछ भी कह के चले जाएगा। ये तो उसकी किस्मत अच्छी है कि वो इस वक्त यहां पे मौजूद नहीं है, ना बहुत बुरा होता उसके साथ। मर्द भी कितनी किस्म दे होंगे, कुछ अफसर वर्गे जो औरत नू जुत्ती की नोक पे रख दे, ते कुछ बाबर वर्गे जो औरत नू मान देते हैं। काश मेरा विवाह भी बाबर जैसे बंदे के साथ होता तो किड़ा चंगा होता। आज तो सारा दिन तुम मार्केट में लगा कर आई हो, लगता है बहुत खर्चा करवाया तुमने असफर भाई का। खुशबू इतनी चुपचाप क्यों हो, और तुम्हारी शॉपिंग कहाँ है? सामान सारा वापस कर देता। क्या मतलब वापस कर दिया? किसने वापस किया और किसको वापस कर दिया? बाबर भाई ने सारा सामान वापस कर दिया कमाल अंकल को, और वो ये कह रहे हैं अब ये रिश्ता हो ही नहीं सकता। क्या ये सब हो क्या रहा है? आप वीडियो देख लें, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। बहुत अच्छा किया बाबर ने, ये तो बड़ा ही खड़ूस निकला इस पर। जो हुआ इसके साथ बहुत अच्छा हुआ। खुशबू तुम परेशान मत हो, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें इससे भी अच्छा लड़का, मेरी प्यारी बहन। इंशाल्लाह। जो आपने सुना सब खत्म हो गया, खुशबू और असफर का रिश्ता टूट गया है। हाय हाय हसीना, सीधी तरह दस की हुई है, मेरा ना दिल घबरा रहा है। खुशबू ने तो नहीं कोई चन चढ़ा देता? नहीं, खुशबू का कसूर नहीं है। फिर क्यों हुआ? शॉपिंग करते हुए असफर ने खुशबू को बुरी तरह से डांट दिया। अदी गल हो गई, घबराने वाली, बंदे तो डांट ही देंगे ने, ऐसे रिश्ता तोड़न वाली कड़ी गल है। खुशबू जैसी खुश इखलाक लड़की उस पर जैसा बद दिमाग लड़का तो बिल्कुल डिजर्व ही नहीं करता। तुमने बिल्कुल ठीक किया जो खुशबू का सारा सामान कमाल सर को वापस कर दिया, और तू भी कौन सा ठीक है। सर
सब तेरी बुजदिली और नालायकियों की वजह से ही तो हुआ है। अगर यही स्टैंड तुमने 4 दिन पहले लिया होता तो आज मामला कुछ और होते, लेकिन अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा बाबर। अभी जाओ और सबसे कह दे कि तू खुद खुशबू से शादी करना चाहता है। बाप का साया होना ना बड़ी बात होती है सुफियान, और जब लोगों को पता चलता है ना कि कोई यतीम है और खास तौर पे लड़की, तो उनका रवैया और अजीब हो जाता है। बट वी आर फैमिली, अगर ताया अबू नहीं तो क्या हुआ, हम तो है ना। बंटी बता रहा था बाबर भाई ने ना खूब सुनाई है कमाल अंकल को। अगर मैं होता ना तो मुंह तोड़ देता उसका। बाबर भाई जितना गुस्से में थे ना वो भी यही करते, लेकिन बंटी ने बताया वो आए ही नहीं साथ। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। हाँ भाई हसीना, कैसी रही फिर शॉपिंग, कोई मसला तो नहीं होया? सब खत्म हो गया। की मतलब, की होया? जो आपने सुना सब खत्म हो गया। खुशबू और असफर का रिश्ता टूट गया है। हाँ हसीना, सीधी तरह दस की होया? मेरा ना दिल घबरा रहा है। खुशबू ने तो नहीं कोई चन चढ़ा देता? नहीं, खुशबू का कसूर नहीं है। फिर क्यों होया? शॉपिंग करते हुए असफर ने खुशबू को बुरी तरह से डांट दिया। लड़की ऐसी गल हो गई, घबराने वाली, बंदे तो डांट ही देते हैं, ऐसे से रिश्ता तोड़न वाली केड़ी गल है? मैंने और कमाल साहब ने किसी ना किसी तरह से मामले को रफा दफा करके बात को कवर करने की कोशिश की थी। तो फिर? मगर फिर बाबर ने निकाह की सारी शॉपिंग ला के कमाल साहब को वापस कर दी और कहा कि हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। जरूर ना खुशबू ने कान पर होंगे उधर, यही ये बड़ी तन नहीं पता, बड़ी कपत्ती है। खुशबू ने बाबर को कुछ नहीं बताया था? और नहीं सी ना, तेनू नहीं पता, ऐसी खुशबू है ना बड़ी फसादन हैगी है, वो इनू अकल ही नहीं है कि कभी कभी ना हाथों के नाल बनिया हुई ना दंदा के नाल खोलनिया पैंदिया ने। बाबर के पास वीडियो थी। केड़ी वीडियो? जब असफर खुशबू को बुरी तरह से डांट रहा था तो बंटी ने वीडियो बना ली थी। ले, उठे बंटी किस तरह आ गया? अलीसे और दानिश भी तो उसी मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। अच्छा, पर सीना तू भी तो उन्होंने नाल ही सी ना, गलती की दी सी असफर दी या खुशबू दी, तेन तो पता ही होगा ना। वो दरअसल मैं और कमाल साहब उस वक्त दूसरी शॉप पे थे, इसलिए पता ही नहीं लग सका कि ये बात कब और किस तरह से शुरू हो गई। बस यही तू गलती कर दी, उन्होंने कल्या नहीं छड़ना चाहिदा सी। हाँ मैं मानती हूँ ये मेरी गलती है, मगर इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा और इतना भयानक अंजाम होगा ये मैंने नहीं सोचा था। चलिए तू परेशान ना हो, मैं आप गल करांगी बाबर के नाल, देखना सानू सोच समझ के गल करनी चाहिए है, मैं आप जावांगी उधर नाल गल करन, ठीक है ना? मैं हूँ ले आई। आए बाप, खुशबू जैसी खुश इखलाक लड़की उस पर जैसा बख्त दिमाग लड़का तो बिल्कुल डिजर्व ही नहीं करता। तुमने बिल्कुल ठीक किया जो खुशबू का सारा सामान कमाल सर को वापस कर दिया, और तू भी कौन सा ठीक है, सब तेरी बुजदिली और नालायकियों की वजह से ही तो हुआ है। अगर यही स्टैंड तुमने 4 दिन पहले लिया होता तो आज मामला कुछ और होते, लेकिन अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा बाबर। अभी जाओ और सबसे कह दे
कि तू खुद खुशबू से शादी करना चाहता। पुत्र, हसीना ने मुझे बताया कि तूने कमाल भाईजान का सामान वापस कर दिया। और तूने खुशबू और असफर का रिश्ता भी तोड़ दिया। जी। तो पुत्र, तुझे ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए था ना। ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया, तभी बहुत तमीज से मना करके आया। वो गलतियां तो इंसानों से हो ही जाती हैं। अब तू देख ना, अलीजे और खुशबू ने दानश के अम्मी अबू का क्या हाल किया था। पर बात खत्म हो ही गई ना। एक मिनट, आप ये वीडियो देखें। पता नहीं कहां फंसा दिया मुझे, किन गवारों में फंस गया मैं। आंसू पोछो अपने, बंद करो ये ड्रामा। 2 घंटे हो गए, एक जोड़ा समझ नहीं आ रहा तुम्हें। पता नहीं डैड ने भी मुझे कहां फंसा दिया। लोग देख रहे हैं, आंसू पोछो अपने, चलो इधर से। इस बात में और उस बात में जमीन आसमान का फर्क है। अभी तो खुशबू अपने घर में रहती है, कल को ब्याह के उस लड़के के घर में जाएगी। और कभी सोचा आपने अगर उसको पाकिस्तान से बाहर ले गया फिर क्या कुछ कर सकता है उसके साथ? देखिए, खुशबू लावारिस नहीं है। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने कर दिया। आप उसकी सगी माँ हैं, आपका सबसे ज्यादा हक है उस पर, हम सबसे ज्यादा। अगर आप फिर भी चाहती हैं कि खुशबू की शादी उस लड़के से होनी चाहिए तो आपकी मर्जी, में आपको मना नहीं करूँगा। नहीं पुत्र, तुमने सही फैसला किया। तो हाल ही बुरा हो गया वे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, देखने से कितने डिसेंट लग रहे थे अफसर भाई। तुमने वीडियो देखी थी, वो खुशबू बाजी से ऐसे बात कर रहे थे जैसे उनका कोई वारिस ही ना हो। बाप का साया होना ना बड़ी बात होती है सुफियान, और जब लोगों को पता चलता है ना कि कोई यतीम है और खास तौर पे लड़की, तो उनका रवैया और अजीब हो जाता है। बट वी आर फैमिली, अगर ताया अबू नहीं तो क्या हुआ, हम तो है ना। बंटी बता रहा था बाबर भाई ने ना खूब सुनाई है कमाल अंकल को। अगर मैं होता ना तो मुंह तोड़ देता उसका। बाबर भाई जितना गुस्से में थे ना वो भी यही करते, लेकिन बंटी ने बताया वो आया ही नहीं साथ। तो आता किस मुंह से, हरकत ही ऐसी की थी उसने। इसका मतलब रिश्ता वाकई खत्म। पता नहीं, इस बात का फैसला तो बड़े ही करेंगे। अच्छा ये बताओ, खाना खाया तुमने? इस बात के बीच में खाना कहाँ से आ गया? जहाँ से भी आया तुम ये बताओ, तुमने खाना खाया या नहीं? खा लिया। तो फिर चलो। कहाँ? छत पर। और छत पे क्या है? टूटते तारे को देखकर दुआ मांगने। यार तुम पागल हो क्या? क्यों, क्या हुआ? असफर खुशबू बाजी के लायक नहीं है। अब तुम टूटता तारा देखकर फिर ये दुआ मांगोगी कि रिश्ता बचा रहे? नहीं भाई, मुझे तो बस उनके लिए दुआ मांगनी है, जो भी हो खुशबू बाजी के हक में बेहतर हो। तो भाई इसके लिए टूटता तारा क्यों देखना है? तुम चल रहे हो या नहीं? चलो भाई। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। जो सामान इस्तेमाल नहीं हुआ कल वापस कर कराऊंगी। लेकिन सबकी क्या जरूरत है? कमाल अंकल ने जो शगुन के पैसे दिए थे वो वापस करना। उन पैसों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं दे दूंगा। चले सामान वापस रखो। नहीं, वैसे भी सामान बहुत ज्यादा है। पप्पू एक बात कहूँ? हाँ जरूर कहो, तुम्हारी दिल की बातें सुनने के लिए ही तो आई हूँ। पप्पू मैंने लगता है अस्तर को मैं अच्छी ही नहीं लगी, जबरदस्ती उससे ये रिश्ता किया है। ये बात तुम्हारे ध्यान में क्यों आई? उसके रवैये से मुझे ऐसा लग रहा है।
तुम फिक्र नहीं करो, मैं कमाल साहब से बात करूंगी। गाल सुनो सीना, कमाल भाई के साथ ना कोई बात करने की लोड़ नहीं है। अच्छा, अरे यार हमें पता था तो हम भी उनको ज्वाइन कर लेते, कम से कम यहाँ तक नौबत तो ना आती। हाँ शायद आप ठीक कह रहे हैं, मगर अब जो होना था वो तो हो गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि संडे वाले दिन असफर और खुशबू का निकाह नहीं होगा। मुझे तो मुश्किल नहीं लग रहा दानिश, बाबर बहुत गुस्से में है। अब वहाँ पे क्या सर्कमस्टेंसेस हैं? और देखो ये भी मुमकिन है कि असफर की इतनी ज्यादा गलती भी ना हो। चल जाएगा इश्क का जादू, हो जाएगा दिल ये बेकाबू, सोच में गुम है भैया बाबू, देखो भैया कौन बनेगी। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, जिंदगी के खेल में मोहब्बतों की रेल में सब मुसाफिर चल पड़े हैं, किस नगर किसको पाना किसको खोना, छोड़ो ये सब रोना धोना, देखो भैया कौन बनेगी। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया।